मेरा परती छोड़िया सिद्ध गोरिया नाम रिखाई दी। बाबा सिद्ध गोरिया जो टिल्ले में जो गुरु गोपनाथ जी का 1.25 लाख चेला था उनमें जे एक बहुत शेष थे टिल्ला से जहाँ स्वांखा को आने के लिए जमीन के अंदर अंदर। ये बाबा सिद्ध गोरिया ऐसा देवता जिन्होंने जमीन के अंदर चलते चलते जो हमारा ये पश्चिम में सलैड गांव का कुछ साधु संत और फकीर है जो कुएं में कैसे आ गया, ये उन्होंने बोला माता डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं साधु हूँ, मैं बाबा सिद्ध गोरिया हूँ, मुझे स्वांखा में जाना है। तो अब बाबा सिद्ध गोरिया जहाँ आते हैं तो माई मथुरा क्या करती है, उनको बंदी दीक्षा देती है। तो जो स्वांखा जो 12 मंडिया किसी टाइम में हुआ जब बाबा सिद्ध गोरिया 500-700 साल जहाँ पहले आए हैं, बाबा जी का जहाँ 10-12 पिंड हैं जो बहुत बड़ा जहाँ जंगल होता था, जहाँ जहाँ वो घास फूस खाती थी तो वहाँ उनका दूध अपने आप निकल जाता था। मुँह के नहीं, बाहर के लोग भी दिल्ली पंजाब अमृतसर से जो बाबा जी के दिल्ली में बहुत सेवादार हैं, अमृतसर में बहुत सेवादार हैं, तो जो भी मन जहाँ लेको आता है कोई जो भी बाबा जी से मांगता है ये सिद्धों का स्थान है, वो बाबा जी उसकी हर मन्नत पूरी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं बाबा सिद्ध गोरिया जी के स्थान पर जो कि बहुत ही धार्मिक स्थान है और जहां पर हर रविवार को सैकड़ों की भीड़ लगी होती है, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और आज हम आपको भी दर्शन करवाएंगे। होनी नाम तेरा परती छोड़िया सिद्ध गोरिया नाम रे गाई। जैसे कि आज रविवार है और भक्तजनों का जहाँ पे बहुत सारा रश पड़ा हुआ है, तो हर रविवार को जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नताएं मांगते हैं बहुत। जय बाबा भैया जी, मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाल लिया तब से आ रहा हूँ, मतलब बचपन से आ रहा हूँ मैं। बहुत ही जारी जगह यहाँ पे, बड़े दूर दूर से यात्रु आते हैं यहाँ पर, तो मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ही मान्यता है यहाँ पे, जो कोई इच्छा मांगते हैं हर एक इच्छा मतलब पूरी होती है, बाकी बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। शुक्रिया। एक बाबा जी, इनसे हम पूछेंगे जहाँ का इतिहास क्या है और जहाँ की मान्यताएं क्या है। बाबा सिद्ध गोरिया का इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, अगर बहुत पीछे जाएंगे तो ये तो 2 घंटे का लगभग समय लगेगा। बाबा सिद्ध गोरिया जो टिल्ले में जो गुरु गोपनाथ जी का 1.25 लाख चेला था उनमें जे एक बहुत शेष थे, जैसे बाबा सिद्ध गोरिया था उसमें जो बड़े बड़े जो महात्मा लोग थे, तो जब उनमें थोड़ा कपला पिए जिसे थोड़ा उनका गड़बड़ हो गया, तो बाबा जी ने वहाँ से टिल्ला से जहाँ स्वांखा को आने के लिए जमीन के अंदर अंदर। ये बाबा सिद्ध गोरिया ऐसा देवता जिन्होंने जमीन के अंदर चलते चलते जो हमारा ये पश्चिम में सलैड गांव पड़ता है, तो बाबा जी कुएं में आके जब निकले तो वहाँ कुछ औरतें जो जल निकाल रही थी, तो उन्होंने देखा कुछ साधु संत और फकीर है जो कुएं में कैसे आ गया, ये उन्होंने बोला माता डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं साधु हूँ, मैं बाबा सिद्ध गोरिया हूँ, मुझे स्वांखा में जाना है, तो आप कृपया मेरे स्वांखा का रास्ता बता दो। तो जब बाबा जी बाहर आए हैं कुएं से, तो माता ने बोला सीधा आप चले जाओ पूर्व की तरफ, तो बाबा सिद्ध गोरिया सलैड से जहाँ पैदल आ गए, तो जहाँ माई मथुरा जी सी उनके तन के ऊपर कपड़ा नहीं था, एक झुग्गी थी, झुग्गी में रहते थे। जब बाबा सिद्ध गोरिया जहाँ आते हैं तो माई मथुरा क्या करती है, उनको बंदी भिक्षा देती है, तो बाबा बोलते हैं माता मैं अगर भिक्षा देनी है तो अपने झुग्गी से तो आपको बाहर आना पड़ेगा। तो माता ने बोला बच्चा मेरे तन के ऊपर तो कपड़ा नहीं है, तो बाबा जी ने 1.25 गज का कपड़ा अंदर फेंक गया, तो माता बोलती जी छोटा है, तो बाबा जी ने बोला माता आप इसको जाड़ो,
जब उसको जाड़ा है वो 9 गज की चादर बन गई। फिर माता बाहर आई है, वो कपड़ा अपने तन के ऊपर लेके उसने बोला माता अभी मैंने दूध पीना है। तो जो स्वांखा जो 12 मंडिया किसी टाइम में हुआ, जब बाबा सिद्ध गोरिया 500-700 साल जहाँ पहले आए हैं, तो माई मथुरा को किसी ने दूध नहीं दिया। जब दूध नहीं दिया तो बाबा जी ने बोला ये पापी पापी स्थान है, जो पापी लोग उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर बाबा जी ने क्या किया, जिन लोगों ने दूध नहीं दिया है तो जो 90 साल की माता है, जो बाबा जी के भी माता, वो बाबा जी ने जहाँ उनको स्थान दे रखा है उनको अमर किया हुआ है, तो माता जी के स्थानों से अपना आप दूध निकल पड़ा। तो बाबा जी ने पूछा ये माँ का या गाय का है, तो उसने बोला बच्चा अभी माँ का ही है। उसके बाद बाबा जी ने क्या किया, जितनी जो 12 मंडियां थी इनके जो गायें थी, किसी का रंग बाबा जी ने सफेद कर दिया, सफेद वाले का काला कर दिया, काले वाले का सफेद कर दिया, किसी का सिंग ऊपर कर दिया, किसी के नीचे कर दिया। जब वो गायें तो अपने घर में जाना था, ये उनको थोड़ा पता मेरा रंग बदली हो गया, लोगों को क्या बाहर खेल दिया हमारी गाय नहीं है। वो सारी जो गायें हैं, फिर बाबा जी का जहाँ 10-12 पिंड हैं, जो बहुत बड़ा जहाँ जंगल होता था, जहाँ जहाँ वो घास फूस खाती थी, तो वहाँ उनका दूध अपने आप निकल जाता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी जो 800-500 साल जो पहले दूध निकला हुआ है, तो आज भी जो बाबा जी हमारे मन साहब जिसको भेजते हैं उसको बोलते हैं भूती। एक तो जो आम भूती है, एक बिल्कुल सफेद भूती निकलती है। उस टाइम के जो बाबा सिद्ध गोरी जी की कृपा से जहाँ गाय का दूध निकला हुआ है, तो आज भी बाबा जी वो भूती सभी लोगों को दे रहे हैं। उनसे बाबा जी की जो श्रद्धालु जहाँ आ रहे हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जहाँ हमारे पीर भोला बाबा जी हैं, उन्होंने ये जगह की बहुत तरक्की कराई है। उससे पहले बाबा रतननाथ जी, बाबा गिरधारीनाथ जी, आज आप देख रहे हैं गैमो गैम बाबा जी का दरबार भरा हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और इस गति को हमारे जम्मू के नहीं, बाहर के लोग भी, दिल्ली, पंजाब, अमृतसर से जो बाबा जी के दिल्ली में बहुत सेवादार हैं, अमृतसर में बहुत सेवादार हैं, तो जो भी मन्नत यहाँ लेको आता है, जो भी बाबा जी ये मांगता है, ये सिद्धों का स्थान है, वो बाबा जी उसकी हर मन्नत पूरी करते हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे स्नान करके जरूर जाते हैं, और यहाँ पे हर साल मेला भी लगता है जो कि जून जुलाई महीने में आता है, और यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या होती है तब। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाया जाता है। जैसे कि आज हम जहाँ पे आए थे बाबा सिद्ध गोरिया जी के स्थान पे, जो कि स्वांखा में पड़ता है, तो और जहाँ पे हमने आपको काफ़ी जगह के दर्शन भी करवाए, और हमने बाबा जी से पूछा भी, जहाँ का इतिहास भी जाना, और आपको भी बताया, और बहुत सारे श्रद्धालु से भी बात की। तब तक अगली वीडियो आएगी, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।